जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल बड़ी खबर के दौरान आयशर ट्रैक्टर के चालक ने सड़क पर गेहूं समेट रहे कुछ जनों को भिड़ंत कर दिया है। इस घटना के दौरान बाप बेटे समेत चार जनों को मृत घोषित कर दिया गया है। इस घटना के दौरान सरदारपुर पुलिस मौके पर पहुंची है और उन्हें PM करवाने के लिए मोर्चे में भिजवा दिया गया है। यह पूरा मामला मध्य प्रदेश के धार जिले का है, जहां पर इंदौर अहमदाबाद फोरलेन मार्ग पर सोमवार रात करीब 12:15 बजे के आसपास ही इस घटना को अंजाम मिला है। वहीं धार निवासी मुन्नालाल लोधा 47 वर्षीय गेहूं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर राजगढ़ की ओर आ रहा था और ट्रॉली में गेहूं सड़क पर गिरने लगे तो मुन्नालाल ने ट्रैक्टर सड़क किनारे खड़ा कर दिया और अपने बेटे नवदीत को फोन कर वहां पर बुलाया था। नवदीत कुछ मजदूरों को लेकर पहुंचा है और सभी सड़क में गेहूं से समेटने लगे हैं। तभी तेज रफ्तार आयशर ने मुन्नालाल लोधा, नवदीत चौहान 29 वर्षीय, लवकुश 28 वर्षीय और अर्जुन सिंह 26 वर्षीय को मौके पर भिड़ंत कर दी थी। इस घटना के दौरान सरदारपुर SDPO राम सिंह मेड़ा ने बताया कि आयशर चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसी दौरान पुलिस ने बताया कि नौगावा थाना अंतर्गत डावरी के रहने वाले मृतक मुन्नालाल लोधा की किराना की दुकान है। बेटा नवदीत लोधा DJ की गाड़ी चलाता था। परिवार में अब नवदीत की पत्नी मोनिका सहित 2.5 साल का बेटा अरुण ही बचा है। परिवार की खेती राला मंडल में है, जहां से गेहूं निकालने के बाद रात में ही ट्रैक्टर से उपज लेकर मुन्नालाल राजगढ़ मंडी की ओर जा रहे थे, तभी यह घटना घटित हुई है। तो दोस्तों बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दे।